हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है टेक्निकल स्वराज्य। गाइस, आज हम यहां पे एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये नेहरू युवा केंद्र संगठन में हो रही है। यहां पे क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं, अगर आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, कॉमर्स, साइंस से, तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। बहुत अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि पोस्ट की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट युवा कोऑर्डिनेटर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, LDC, क्लर्क, MTS, ऐसे बहुत सारे वेरियस पोस्ट पे भर्ती आ चुकी है। तो आज हम जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको मिलेगी हर गवर्नमेंट, जैसे ही सरकारी विभागों में भर्ती आती है या प्राइवेट सेक्टर में भर्ती आती है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। यहाँ पे बात करते हैं गाइस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि हरियाणा पुलिस में 6400 बम्पर भर्ती आई है। कांस्टेबल पोस्ट के लिए यहाँ पे 5,500 पोस्ट आपको मिल रहे हैं। SI के लिए यहाँ पे आपको लगभग 1,000 पोस्ट मिल रहे हैं। बात करते हैं आगे, UPSC CDS में यहाँ पे भर्ती आई है। इसकी अंतिम डेट की बात करते हैं, 8 जुलाई के पहले आपको आवेदन करना है। आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। तो अगर आपने ये सारे जो वीडियो है अभी तक देखे नहीं है तो आप ये सारे वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना, यहाँ पर आपको मिलेगी सारी जानकारी, ठीक है। बात करते हैं आज की जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो नेहरू युवा केंद्र संगठन में हो रही है, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, बस आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे जैसे आप आते हो इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है नेहरू युवा केंद्र संगठन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो गाइस, तो यहाँ पे आपको सेकेंड जो एडवर्टाइज है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 31 मई 2019, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये शॉर्ट फॉर्म में नोटिस दिया है और जो आगे का जो डिटेल्स है गाइस यहाँ पे आपको मिलेगी पूरी जानकारी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, तो गाइस असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट योर कोऑर्डिनेट, जिसमें आपको गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट मिल रही है। और पोस्ट जो है गाइस इसमें आपको 160 पोस्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जेंडर कैटेगरी को यहाँ पे 65 SC के लिए 24, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट मिल रहे हैं, OBC के लिए यहाँ पे 43 पोस्ट मिल रही है, EWS के लिए यहाँ पे 16 पोस्ट मिल रही है, PWD के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट मिल रहे हैं। टोटल नंबर पोस्ट की बात करते हैं तो 160 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो गाइस ये मैं आपको मतलब कैटेगरी के वाइज अगर बताते जाऊँगा ना तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ। तो गाइस सेकेंड जो पोस्ट है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट मिल रहे हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, जो बल्कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट मिल रही है, असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 38 पोस्ट मिल रहे हैं, लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट मिल रहा है, स्टेनोग्राफर Grade 2 के लिए यहाँ पे 23 पोस्ट मिल रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट मिल रहे हैं, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे 58 पोस्ट मिल रहे हैं, LDC क्लर्क के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट मिल रहे हैं और MTS के लिए यहाँ पे 23 पोस्ट मिल रहे हैं। बात करता हूँ यहाँ पे अभी गाइस, जो मतलब अगर आप 10वीं पास हो तो आप MTS पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहली जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट योर कोऑर्डिनेटर, जिसमें आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी हो मिलेगी, 56,000 से लेके आपकी 1,77,000 आपकी पेमेंट होगी, बहुत अच्छी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। पर गाइस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए युवा एक्टिविटी या रूरल डेवलपमेंट, जो सोशल एक्टिविटी होती है ना उसमें, और मतलब अगर आप वॉलेंटरी हो, ठीक है, NYKS के, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। सेकेंड पोस्ट के लिए गाइस जूनियर कंप्यूटर ऑपरेशन, जिसमें आपकी तनख्वाह 44,900 से लेके 1,42,000 तक आपकी तनख्वाह होगी। इसमें अगर आपने मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस किया है या आपने BA या MCA किया है तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए
तो गाइस अगर आप यहां पे मास्टर डिग्री किए हैं हिंदी या इंग्लिश में तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। अगर आपने मास्टर डिग्री भी किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, या आप बैचलर डिग्री हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। बात करते हैं असिस्टेंट की, डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में, ठीक है। यहाँ पे लैबोरेटरी के लिए, यहाँ पे गाइस अगर आप डिग्री किए हैं मतलब आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से तो भी आप आवेदन कर सकते हो, 2 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी जो तनख्वाह होगी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये आपकी तनख्वाह मिलेगी आपको। अगर आप 12वीं पास हो और आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग आता है तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए यहाँ पे गाइस आपकी जो तनख्वाह होगी 29,200 से लेके, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। अगर आप डिग्री होल्डर हो किसी भी स्ट्रीम से तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो MTS है गाइस, अगर आप 10वीं पास हो जिसमें आपके पे स्केल 18,000 से लेके 60,000 के आसपास आपको मिल रहे हैं 10वीं पास के लिए, तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो, ठीक है। इतना अच्छा आपको मौका मिल रहा है तो इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। LDC के लिए यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एज रिलैक्सेशन है गाइस बहुत अच्छा, मतलब हर कैटेगरी को और कैटेगरी के वाइज आपको मिलेगा। SC ST को 5 साल का मिलेगा, ठीक है, और OBC को 3 साल का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपके जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन माध्यम से होगी जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हर पैटर्न जो है सिलेबस है इन्होंने डिवाइड किया है। तो गाइस इसके लिए हमने ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है ताकि आप आसान तरीके से आवेदन, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो मतलब करना चाहते हो, तो वही आपको सिलेबस आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। मान के चलो अभी किसी ने MTS के लिए आवेदन किया है तो उसका जो मतलब ये सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, MTS के लिए बस यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे रीजनिंग 25 मार्क का आएगा, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क का आएगा, जनरल इंग्लिश 50 मार्क का आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 मार्क का आएगा। बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, SC ST को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, OBC कैटेगरी को और EWS कैटेगरी को यहाँ पे 350 रुपये फी है, और जो जनरल कैटेगरी उनको यहाँ पे 750 रुपये फी है। बहुत ज़्यादा फी है गाइस इसके लिए। आपके जो एग्जाम सेंटर होगी आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, सारे जगह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको दूर जाने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो सेंटर से मतलब आपको आपके खुद के स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।